डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रांग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यू से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है।